अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ इसी तरह बोलूंगा, फ्लो बोलूंगा, तर्ज में बोलूंगा। तो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप लोग खैर खैरियत से हैं? सारे भैया का क्या हाल है? काफी अरसे साधी भाई को मिस कर रहा था मैं यार। साधी भाई की रील्स नहीं आ रही थी ना, साधी भाई की रील्स मैंने रात को देखी, जरा ताजा तरीन करके मजा ही आ गया। फिर साधी भाई की रील्स देख के तो गाइस, आज मार बेगी मेहंदी है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों पे आ गया था गहरी लाली, आगे भूल गया मैं, भूल गया। तो गाइस, आज मेहंदी प्रोग्राम है मार बेगी का, पूरा ये बरासा करके और रोटी प्रोग्राम रात को पूरा ही चल रहा है बॉस। तो अभी जी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, इंशाल्लाह तानू मच्छी खवांदा। हां, गोश्त मोटा, खीर, कस्टर्ड, फिरनी, कस्टर्ड की बिरयानी। खैर जी, हम लोग अब जा रहे हैं, टाइम हो गया, 2:30 बज गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और जी, मौसम भी बड़ा सुहाना बेहतरीन हुआ है, और हम लोगों को भूख भी बड़ी ज्यादा लगी थी, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी यार। उसकी वजह कि हम लोगों ने सुबह से नाश्ता नहीं किया, काम शाम कर ही जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब चलते हैं चिट्टा, हमें कुछ खिलाने लेके जा रहा है, बड़ा अच्छा ऐसा दोस्त अल्लाह पाक सबको दे जो खुद आके कहता है कि यार क्या खाना जानू बताओ। खुद क्राउन क्रस्ट पिज्जे खाते हैं लोग, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं रोटी खाते हैं, उसके बाद बाकी मामला देखते हैं। अभी हम लोगों ने अपनी खत मैंने तो नहीं कराना, कटिंग करानी है हल्की, व्हाट्सएप करा ले, खत कल कराऊंगा ना, बरात बीमार भी शार्प लुक आनी चाहिए, व्हाट्सएप कराऊंगा, इंस्टाग्राम में कराऊंगा भले में बल्ले। तो जाके रोटी पारते हैं, रोटी दिखाते हैं आप लोगों को जी। उधर रोटी आ गई हमारे आगे, बिल्कुल यस कमांडो करके ये देख सकते हैं, ये शवारमा प्लेटर और ये फ्राइज आ गई हमारी बेहतरीन से करके। हाँ जी, ये मार भी भी मार भी, तुसी दूले है क्या, तुसी की कर दे बे, दूले ने भूख नहीं लागी, बात सही है, लग दी है रात को, रात को एक ही दफा खाना ना, मैं क्या लगाऊंगा एक दो परसों चौथ शादी से फ्री हो। तो हम लोग आ गए हैं घर, घर आके ये हमने काम शाम करने, तो गाड़ियाँ धुलने लग पड़ी हैं, सिविक भी धुलेगी, वो बीमर धुल रही है, ये सिविक भी बहुत ज़्यादा गंदी है, ये धुलेगी, मर्सिडीज बेचारे के ऊपर कल्टस के मैट डाले हैं हम लोगों ने, तो ये तो साफ थी, कल मैंने ये धुलवा ली थी इसके ऊपर, इसलिए कपड़ा चढ़ा के इसको खड़ा किया हुआ है। हम लोग चलते हैं कल्टस पे, अपनी हमने करवानी है कटिंग शेप, ठीक है, और हम लोगों ने पानी की भरनी है बोतलें, हमार भी धूल्हा मियाँ तैयार होने चले गए हैं सलोन के ऊपर, तो उधर से आते हैं, फिर गाड़ियाँ तैयार करने वाला लड़का आ जाएगा, फिर गाड़ियाँ तीनों तैयार करेंगे, कल्टस घर खड़ी कर देंगे, क्योंकि इसको ज़रा ना स्पेशल ट्रीटमेंट देते होते हैं, हमारी सबसे अच्छी सबसे पुरानी गाड़ी है, तो इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अब चलते हैं जी सलोन पर जाके करते हैं बात, आप सलोन में आ गए, पूरा ही मांझा प्रोग्राम चल रहा है इधर, आपका भाई भी फ्रेश बाल धो आ गया, आ गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा ही मनोरंजन चल रहा है, ठीक है जी। ये मार भी आ गए हैं, हाँ जी मार भी, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मार भी, ये चिट्टा जी आ गए हैं पूरे, इधर मांझा लग रहा है, जुनेद भाई कितने गए, ये जुनेद भाई सलाम दुआ करते हैं, जरा हमारे जुनेद भाई हैं, दीप भाई अजकल पूरे ब्लॉग बन रहे हैं, बाली बालों की सेटिंग करते हैं प्यारी सी, बाकी कल जो बरात पे है और वलीमे पे है वो भी हैवी था, आपने करके देना ध्यान, ठीक है, हाँ ज़्यादा फोकस बस आपने मार भी पे करना, तो मार भी धूल है हमारी, खैर है हम तो आपको पता छे बंदे, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये आपका भाई वो ओके, क्या से कहते हैं कटिंग शेव करा ली है, शेव तो नहीं कराई, कटिंग कराई है, शेव कराऊंगा कल बरात वाले दिन। अब जी गाड़ी धुल रही है हमारी, सिविक धुल रही है, ठीक है, मार्केक्स धुल गई हुई है, मार्केक्स कहाँ से याद आ गई है मुझे, बीमर धुल गई है बेचारी, बीमर की सजावट चल रही है पूरी, इसका अब हम लोग करेंगे ये कि इधर करके हम लोग एक गुलदस्ता बना देंगे बड़ा प्यारा सा करके, क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन है, तो येलो और वाइट कलर का आ जाएगा इधर तो गुलदस्ता सा, और उसके ऊपर हम वाइट नेट लगा देंगे, और इधर से वो उधर नुक्कड़ पे जाके बड़ा प्यारा सा फूल बन जाएगा, उसके बाद जी इधर पीछे आ जाएंगे हम लोग, और इधर आके इधर भी इसका प्यारा सा गुलदस्ता वही जो सेम आगे बनेगा पीछे बन जाएगा, और फिर उसकी नेट वहाँ से शुरू करके तो हम लोग यहाँ नीचे ला के जी इधर फूल बना देंगे खूबसूरत सा करके, बाकी उस पर भी इसी तरह करेंगे और सिर पर भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन है, तो इस मुनासबत से येलो ही प्यारी लगनी थी, तो बारात वाले दिन कल देखेंगे, और कल का फिर अलग डिज़ाइन कुछ डिसाइड करेंगे, देखेंगे
और वलीमे का भी कोई अलग करेंगे, उसके लिए भी डिसाइड कर तो लिया वैसे हम लोगों ने, तो बाकी वो चेंज होता रहेगा तीनों दिन, आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी अब जैसे ये होती हैं तब तक हम लोग तैयार शेयर हुए हैं, कपड़े शपड़े पहन लो, मैं सोच रहा हूँ ना पहन लो, अभी देखता हूँ फिर बताता हूँ। फाइनली बीमर तैयार हो गई है, एंडिंग पे है बस अपनी, बाकी मर्सिडीज रह गई है और सिविक रह गई है। मर्सिडीज अभी खड़ी हुई थी, इस बेचारी को निकाल के इधर सामने खड़ी करते हैं, मैं वो सिविक जैसा कि आप देख सकते हैं धुल रही है, मर्सिडीज साफ ही थी, कल मैंने इसको धुलवाया भी है और तीनों गाड़ियों में टैंकी भी फुल कराई है, तो भाई मेरी तो हो गई है बस, क्या बताऊँ आपको क्या हालात बने हैं भाई जान। ये आप देख सकते हैं कल मैं पंप से घर रहे हो और ये भाई जान क्वार्टर खाली हो गया, ठीक है एएमजी का। तो बाकी अभी गाड़ी लगाते हैं, फिर ये सिविक तैयार होगी, फिर मर्सिडीज तैयार होगी, तब तक जब ये तैयार हो जाएंगी उम्मीद है कि चिट्टा जी आ जाए या अरुण भाई आ जाए, अगर इन दोनों में से कोई ना आया तो भाई आपका भी ड्यूटी देगा, और ये जब तक तैयार नहीं होती उसके बाद फिर आपका भाई जाएगा, जाके खुद तैयार होंगे, क्योंकि हम पहले गाड़ियों को साफ सफाई कर लें, इनको यस कमांडो कर लें, इनको खूबसूरत कर लें, उसके बाद अपना अपने आप को खूबसूरत ही बना लेंगे। तो बस आपका भाई तैयार श्यार हो गए, नए कपड़े पहन के फुल परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के बाल बना के हम लोग जा रहे हैं जी, अब्बा जी आगे एमजी में हम लोग अपनी बीमर चला रहे हैं, पीछे अपनी सिविक आ रही है, तो अब जाके उधर तो आपको थोड़े से मार पी के रंग रूप दिखाएंगे, मार पी के रंग चढ़ा नहीं चढ़ा, मार पी ने 3 घंटे लगाए हैं जी सैलून में, मार पी देखते हैं क्या घर करा के आए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं जी उधर जाके फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ियाँ भी जो सजाई थी वो भी मैं दिखा नहीं सका, उसकी वजह भी सिर्फ यही थी कि मसरूफ़ इतना ज़्यादा था, काम शाम इतने थे कि ब्लॉग बनाना भूल गया था, अभी मुझे अचानक याद आया बैठे बैठे कि ब्लॉग ही बनाता हूँ। हम लोग पहुंच गए हॉल के बाहर, ये दूल्हा मियां आ गए हैं, दूल्हा मियां सलाम दुआ करें, मार भी कैसा फील हो रहा है जिंदगी में पहली दफा दूल्हा बनने के, गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है यार। अब्बा जी को कहना था कि गाड़ी तो स्लो चलाएं, स्लो ही है, आप ट्रेड पे आ रहे हैं, मैं बेचारा बीमर पे आ रहा हूँ, गाड़ी वो नहीं भागती अब इतनी यार, अब्बा जी से बात करते हैं जरा, अब्बा जी मसरूफ है अमल, बाबा जी सलाम दुआ करते हैं जरा, बाबा गाड़ी आप भगाते ही आ रहे हैं, मैं पीछे बड़ी मुश्किल से साथ जुड़ा हूँ, अब्बा लेट हो गए थे ना इसलिए मैं गाड़ी स्पीड में लेके आ रहा, आप 6200 सीसी गाड़ी चला रहे हैं, मैं बेचारा है गरीब बंदा छोटी गाड़ी चला रहा है, नहीं नहीं आपकी गाड़ी बड़ी है, मैं स्पीड इसलिए मार रहा था। तो गाइस अब देखते हैं क्या बनता है, मेहमान जमान उनका स्कोप देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं मेहमान, बाकी गाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं। Thank you.
रोटी घुल गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रोटी भी घुल गई है और मार भी घनिका भी हो गया। अब्बा जी को, बाबा जी मुबारक हो, मार भी घनिका हो गया भाई, खुद को भी मुबारक हो। अब मैं गैस खाना खा लूँ, खाना आप देख सकते हैं मज़े मज़े का खाना। ये कबाब आ गए, ये बाकी पता नहीं क्या आ गया, भटूरे हैं भटूरे भटूरे। अब जी रोटी खाते हैं फिर आपसे करते हैं बात। फाइनली शादी का फंक्शन अटेंड करके मेहंदी का हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने के बाद गाड़ियाँ सूरत से पार्क करके घर के अंदर, और रोटी तो इतनी खाई नहीं थी यार, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। यार ये फ़ोन नहीं उठा रहा यार, ये काम हमें था मुर्जा चौधरी। चलो दिखाना व्यू सामने, हम आए की तरह। ये हम चौधरी हाउस आए हैं जी, देन व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप कर, व्हाट्सएप कर इसको। हम मुर्जा चौधरी के पास आना था अभी, हमने टायर पे करने थे। टाइम दिखाना इनको, गैस को, गैस को दिखाना। ओ, ओ, एक बार के 6 मिनट हो गए। टाइम तो ठीक है लेकिन चलो, ये हम कॉल करके आए हैं इसको कि उसने कहा आ जाओ, हम एक चीज लेनी थी, चीज हमने ये लेनी थी कि हमने से पकड़ने थे दो टायर भाई जाने। व्हाट्सएप पे भी ऑफलाइन है, चलो बैल दे दो। हमने जी बर्नआउट मारना था, अब्बा जी से ज्यादा तो मिल ही नहीं थे जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोगों ने सीन अब ये बनाया कि टायर लेके जाऊंगा ना उनको, अब्बा जी को इजाजत कह रहा हूँ, अंदाजा हो जाएगा थोड़ा सा कि हम लोगों ने क्या सिस्टम को अभी किया। और फिर ये होगा कि चलो हो सकता है मान मून जाए, नहीं मानेंगे तो मौके पे बर्नआउट मार देंगे, बिस्ती है तो करवा लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, सह लेंगे थोड़ा सा। भाई साहब जानू बाहर खड़े हैं, आजो आजो, आवाज भी नहीं दिख रही। ओके बॉस, आज हम लियाना पे निकले हैं, लियाना पे निकले हैं रात के 1 बजे सिर्फ, 1 बजे। कितनी खामोशी है भाई, खामोशी। ए 2 मिनट चुप कर, खामोशी सुना रहे थे मुझे गाइस को जरा। पीछे थे गाइस, ए पीछे कौन करा, जिन करा जिन। फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद टायर आ गए हैं, चेक करते हैं, चेक कर मुंडे का तो टायर, चेक कर विद पेंट बन्ना उठ रहा गला बजेगा। 255 और मजे के बाद बताऊं जी भाई, बताओ एक मिनट इधर सब जाएंगे, दूसरी साइड करना। 2021 का बिगी यार, जानो बिगी यार, जानो वे टायर रखवाते हैं अब गाड़ी के अंदर। दिखाओ पहले गाड़ी भैया, ये ओवर फेंडर चेक करें आप, ओवर फेंडर से शुरुआत करें, मेक मॉडल ये चेक करें, इसका वेंट्स चेक करें जी। जनाब हम लोग मौजूद हैं, लियाना हमारे साथ मौजूद है। किधर ले आना, रिम्स का बताएं, ये रिम्स कौन से हैं भाई? ये रिम्स हैं ओरिजिनल, ये मेरे ख्याल से स्टैगर्ड सेटअप है, स्टैगर्ड ओरिजिनल AMG के 2025 मॉडल के, 25 मॉडल के प्री बुकिंग पे आ चुके हैं, सिर्फ आपके लिए बनाए होंगे जी जी सिर्फ। और ये AMG आप देख सकते हैं माशाल्लाह, कल इसका बर्नआउट बजना है जी, इसका भी मार देंगे कल साथ ही, इंशाल्लाह अपने ब्याह से बर्नआउट मार नहीं, 570 पे इसका मार देंगे उसका, नहीं यार ये स्लिक्स का बर्नआउट देखना हमने, स्लिक्स पे देखना हमने बर्नआउट कैसे बजता, इंशाल्लाह अपने ब्याह से बर्नआउट दिखाऊंगा। गाइस हमारे पास दूल्हा मियां महीने बाद आए हैं, मार भाई का सामान दिखा रहे हैं। आज आज जो आपने हमारे साथ रवैया इख्तियार किया ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। मैं तो रवैया इख्तियार ही नहीं किया। बताओ शेख साहब कौन सा रवैया था, ताना जरा मुर्जा मिले गया, मार भाई सीधा पर्दे के उधर। ये काम सही बात, 2 मिनट जब फंक्शन होता है तो फिर उधर से बात है, फैमिली से जो उनसे होते हैं वो तो ठीक है, तो हम भी फैमिली, एक वजह दिखाना जो फैमिली सारी जिंदगी से साथ है वो मिलने आई है एकदम उधर। साधो सामान को कल हम फाड़ेंगे ना, चौधरी चौधरी लाइफ स्टाइल मुर्जा कर गए थे हम लोग, हैवी कस्टमर पूरे ही। ये टायर की स्पेसिफिकेशंस बहुत लेवल है इसके ऊपर, हाँ किसकी रेट का प्रिली का टायर वो आपने किया यार, वो भला क्यों बचाया ताकि अब्बा जी को लगे कि वो वाला फारग, वो वाला ठीक था, ये वाला फारग है।
हालांकि ये वाला ठीक है, वो वाला फर्क है। ये सारा सीन है। अब जब बाजी व्लॉग देखेंगे तो मुझे माफ कर दें, मैं गलत नहीं करना चाहता, लेकिन इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। वैसे मेरा जेन था कोई नहीं कि शादी की ब्लॉगिंग की जाए। क्या मसला है? साडा दूल्हा कुल्ला नहीं पा रहा। ओ ला, असि मना रहे हैं सवेरे। अच्छा है, सुबह बरात आया, कुल्ला ही नहीं लेके आए हुए। व्हाट इज दिस? 4 बजे सारा बंदी कुल्ला ही नहीं आया। व्हाट इज दिस? दिस इज बिहेवियर। अभी मना रहा हूं कुल्ला लेके आ रहा हूं। और एक चाचा की वीडियो मैंने देखी थी, वो बिल का बता रहा था पंजाबी में, वो कहता व्हाट इज दिस? रात्रि 11 बजे तक बिजली का तुसार ज्यादा रेट लाया क्यों? व्हाट इज दिस? उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और प्यार सारा 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 प्यार कर दें, और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। कल के दिन का भी कोशिश करूंगा कि ब्लॉग निकाल लूं आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने वैसे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं ना ब्लॉग बनाऊँ शादी का, क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है कि मेरा खुद का दिल भी नहीं था कि किधर बंदा कैमरा चुप के क्या क्या कवर करता फिरे। लेकिन मुझे ना काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, उसके अलावा मैंने एक ब्लॉग में पूछा भी था तो काफ़ी कमेंट्स आए कि यार आप लोग लाजमी करें मारपी की शादी का। तो फिर मैंने सोचा कि यार आप लोगों ने इतना इजहार किया तो मैं आप लोगों को तो नहीं दिल आप लोगों का तोड़ सकता, तो जितना मेरे से हो सके मैक्सिमम टाइम निकाल के मैंने इसको कवर किया। आप लोग अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।